चलिए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, दुर्गांश से, जो कि मेरठ से हैं और इन्होंने इस बार आईआईटी बीएचयू लिया है, मतलब बीएचयू में एमसीए के लिए एडमिशन लिया है। और अच्छी बात यह है कि बीएचयू में पहले प्लेसमेंट थोड़े से कम थे, पर अभी आईआईटी के साथ एमसीए वालों के प्लेसमेंट होने लगे हैं, तो बीएचयू में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो आप लोगों के पास निमसेट के साथ साथ और भी सारे ऑप्शन हैं, तो एक बीएचयू ऑप्शन होता है, जेएनयू ऑप्शन है, एचबीटीयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले दुर्गांश, आपको एचबीटीयू बीएचयू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो दुर्गांश अपनी स्टोरी सुनाए, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि दुर्गांश ने यहाँ पर आके पढ़ाई स्टार्ट की। मैथ्स काफी वीक था, पर बहुत मेहनत की और मेहनत करके, मतलब जब ज्वाइन किया था जब मैथ्स की एबीसीडी भी नहीं आती थी, पर आज की डेट में न केवल मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर सब सब्जेक्ट पे वर्क किया, एक अच्छी रैंक अचीव की और बीएचयू जैसा कॉलेज लिया। तो दुर्गांश आप कि जो सक्सेस जर्नी में चाहूंगा आप वो बताएं, और उसके बाद जो अवेयरनेस थोड़ा सा कम है, कई बार बच्चे बीएचयू में जाने से, जबकि बीएचयू में प्लेसमेंट बहुत अच्छे, और अब सबसे अच्छी बात है जब से आईआईटी ने कैंपस ओपन कर दिया है तो कंपनियां भी बहुत टॉप लेवल पे मिल रही, तो आप उन सबके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दो। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज दुर्गांश, आई एम फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन दैट इज बीसीए फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ इटसेल्फ। Currently, I'm a first year MCA student at Banaras Hindu University. Talking to my journey started with impetus when I was in the final year of BCA. I used to watch Sharad sir and Pratik sir's YouTube videos. After completing my BCA, I decided that I will take up some decent college for like masters. So I came here at Bhopal. When I came here, at impetus my mathematics was very bad. I was kind of a below average student, especially in mathematics. In 12th class my marks are not very good. When I came here I didn't even knew the Sridharacharya rule for quadratic equations, so I felt very bad because fellow students were doing very very good. In fact, there were lot more problems and challenges I faced, but through the constant guidance from impetus Gurukul, I managed to get a seat in prestigious Banaras Hindu University. Talking about Banaras Hindu University, the best part are the teachers and seniors. Our teachers are very much supportive, and seniors are the one of the decent guys I have ever met in my life. When before going to BHU, I talked to sir and Pratik sir if to take BHU or not. But then sir said that just go there and you will be good. From past years, IIT BHU also opened its placements for MCA students. So placements are going very good. In fact, all our seniors are very well placed in decent companies. Many are through the campus placements and many are through the IIT placements. तो दुर्गांश अभी आपने अपनी सक्सेस जर्नी बताई, और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सच बात है, जब बच्चा ये आया था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं थे, और कोई बुराई नहीं होती, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। इसने बोला सर ये दिक्कतें हैं, और सब कुछ सीखा और मैथ्स इतनी अच्छी हो गई कि आप जब आज इसके साथ मैथ्स बैठोगे या समझोगे, इनफैक्ट मैथ्स अच्छी नहीं होती तो ये रैंक भी अचीव नहीं होती। तो दुर्गांश ये तो आपने अपनी सक्सेस जर्नी बताई, अब मैं जानना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा बच्चे जानना चाहते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद। इनफैक्ट अभी आपका क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, अब ओपन हो जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, सीनियर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आईआईटी ने जो कंपनियों के लिए कैंपस ओपन किया है उसके बारे में और प्लेसमेंट के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ। सर, जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का एडमिशन हुआ था तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी अभी, इनफैक्ट दिसंबर में ही, और सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ टीचर से, उसके बाद सेम डे इटसेल्फ शाम को सीनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। उस टाइम हमारे मन में भी बहुत सारे क्यूरियोसिटी थी कि कैसे प्लेसमेंट्स हैं, कैसे सीनियर्स हैं, कैसे टीचर्स होंगे, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बट फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर्स का बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं, इतना हम शायद अपने ड्रीम में ये चीज़ें सोचते हैं कि इतना अच्छा प्लेसमेंट भी किसी का हो सकता है। उसके बाद सर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जैसे सीनियर से सुनने को मिलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द डिसेंट यूनिवर्सिटी है बीएचयू, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी। ऑल्सो सर एक और चीज़ आई विल एड, आईआईटी ने इस बार पिछले बार से अपने प्लेसमेंट बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिए हैं, तो वहाँ पे यू विल गेट इमेंस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। और सर इसके अलावा सर
कुछ स्टूडेंट्स हमारे बीएचयू में ऐसे भी हैं जो रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं, या नेट टीचिंग में प्रोफेसरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। ऑल आर स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ऑल आर रैंकर्स। एक कम्पिटिटिव रिदम क्लास में रहता है, जैसा यहाँ एमपीटस में एक एनवायरमेंट था, उसके जैसे ही एनवायरमेंट हमारी क्लासेज में भी बीएचयू में रहता है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज से दैट परिश्रम का फल आज नहीं तो कल। ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर डेंजल वॉशिंगटन इन वन ऑफ हिज स्पीच सेड दैट विदाउट कमिटमेंट यू नेवर स्टार्ट, बट मोर इम्पोर्टेंटली विदाउट कंसिस्टेंसी यू नेवर फिनिश। जब मैं पहली बार आया था तो आई हैड सम प्रॉब्लम इन माई बैक, तो आई टोल्ड दिस प्रॉब्लम टू शिवम सर एंड ही सेड कि बेटा ये एक तपस्या है और इसको एक तपस्या की तरह लो, पूरी लाइफ तुम यू विल बी फ्रूटफुल फॉर दैट। तो अगर हम लोग कंसिस्टेंसी से सारा काम करेंगे तो इट विल बी वेरी ग्रेट एंड यू विल ओवरकम ऑल ऑफ द चैलेंजेस। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही बोला दुर्गांश आपने, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी, आपने बोला जो बीएचयू एक बहुत बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा यस कैंपस है शायद इसको आप पूरा घूम पाएं 2 साल में, ये भी मुश्किल है। यस तो बीएचयू अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंपस है, आईआईटी बीएचयू में इंक्लूड हो गया है, और अब आईआईटी वाले बच्चों के साथ एमसीए वाले बच्चों के प्लेसमेंट स्टार्ट कर दिए लास्ट ईयर से, तो ये एक एडवांटेज है और इसीलिए वहां पे टॉप कंपनियां आने लगी हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को जो एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप लोग जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, नॉट ओनली लिमसेट, लिमसेट के साथ साथ जो जो अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे बीएचयू हुआ, पुणे यूनिवर्सिटी हुआ, एचबीटी हुआ, हैदराबाद हुआ, सीटी महाराष्ट्र के थ्रू कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जामिया हुआ, ये सब अच्छे कॉलेजेस में आते हैं और यहाँ पे अभी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं कोविड के बाद, क्योंकि आईटी में एकदम बूम आया है। हर जगह आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है और इसीलिए अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट थैंक हो, यू और सर। सबसे अच्छी बात है कि बीएचयू से भी एमसीए 2 ईयर का है, यानी इनका इस साल के सितंबर या अक्टूबर में प्लेसमेंट सेल आ जाएगी और इनका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो प्लेसमेंट के बाद फिर हम आपके साथ एक बार मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेंस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर।